हेलो स्टॉक्स वालों, तो आज हम लोग बात करने वाले टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में जिन पे बाजार की मंदी का कोई असर नहीं हुआ है, यानी कि वो स्टॉक जिन्होंने दिया है बम्पर रिटर्न बजट 2019 के बाद से। और मैं आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि निफ्टी 50 का जो लेवल था बजट के आने के दिन यानी कि 5 जुलाई को, वो था 11,811। वहां से गिर के आज यानी कि 17 सितंबर पे पहुंच चुका है 10,817 पे, यानी कि 8.41% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है निफ्टी 50 में। और वहीं पर अगर निफ्टी 500 की बात की जाए तो उसका भी लेवल 5 जुलाई को था 9,805, जो गिर के आज यानी कि 17 सितंबर को पहुंच चुका है 8,854 पे। और इस तरह से निफ्टी 500 में भी हमें देखने को मिल रही है 9.7% की गिरावट। और मैंने इस लिस्ट को बनाने के लिए यूज किया है निफ्टी 500 के स्टॉक्स को, और उसमें से सिलेक्ट किया है 10 स्टॉक जिन्होंने दिया है बम्पर रिटर्न बजट 2019 के आने के बाद से। और मैं आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि इस लिस्ट के स्टॉक्स का जो मिनिमम रिटर्न है वो 10% से ऊपर है, और वहीं पे 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 30% या फिर उससे ज्यादा का रिटर्न दिया है बजट 2019 के आने के बाद से। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। और बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ, उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये है टॉप 10 स्टॉक्स दैट गिव बंपर रिटर्न्स इन बजट 2019, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। इस लिस्ट के नंबर 10 पे आती है टोरेंट फार्मा लिमिटेड, जो आती है सेक्टर फार्मास्यूटिकल्स में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 28,931 करोड़, यानी कि ये अभी एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 1964 रुपए, और जो लो है वो है 1452 रुपए, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपए का। तो आप देख लेते हैं टोरेंट फार्मा का रिटर्न बजट 2019 से लेके अब तक। तो 5 जुलाई 2019 को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 1525.15 रुपए, जो बढ़ के 17 सितंबर को हो गया है 1686.70 रुपए, यानी कि 161.55 रुपए की बढ़त हमें देखने को मिल रही है टोरेंट फार्मा के स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 10.59%। इस लिस्ट के नंबर 9 पे आती है सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो आती है अगेन सेक्टर फार्मास्यूटिकल्स में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 1,02,404 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 668.65 रुपए, और जो लो है वो है 344.55 रुपए, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ 1 रुपए का। तो अब देख लेते हैं सन फार्मा ने कितना रिटर्न दिया है बजट 2019 के बाद से। तो 5 जुलाई को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 375.25 रुपए, जो बढ़ के 17 सितंबर को हो गया 420.65 रुपए, यानी कि 45.40 रुपए की सॉलिड बढ़त देखने को मिल रही है हमें सन फार्मा के स्टॉक में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 12.1% का। इस लिस्ट के नंबर 8 पे आती है एशियन पेंट्स लिमिटेड, जो आती है सेक्टर पेंट्स में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 1,45,923 करोड़, यानी कि ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 1,622.50 रुपए, और जो लो है वो है 1,118 रुपए, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ 1 रुपए का। तो अब देख लेते हैं एशियन पेंट्स का रिटर्न बजट 2019 के आने के बाद से। तो 5 जुलाई को इसका जो स्टॉक प्राइस चल रहा था वो था 1,358.70 रुपए, जो बढ़ के 17 सितंबर को हो गया 1,530.90 रुपए, यानी कि 172.20 रुपए की बढ़त देखने को मिली हमें एशियन पेंट्स के स्टॉक में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 12.67%। इस लिस्ट के नंबर 7 पे आती है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड, जो आती है सेक्टर हेल्थ केयर में, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 10,773 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 1,360.05 रुपए, और जो लो है वो है 813.45 रुपए, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए का। तो अब देख लेते हैं इसका रिटर्न बजट 2019 से लेकर अब तक। तो 5 जुलाई को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 1,078.35 रुपए, जो बढ़ के 17 सितंबर को हो गया है 1,241 रुपए, यानी कि 162.65 रुपए की बढ़त हमें देखने को मिल रही है स्टॉक में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 15.08% का। इस लिस्ट के नंबर 6 पे आती है गॉडरे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, जो आती है सेक्टर टोबैको में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है सिर्फ 5,231 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 1,209.90 रुपए, और जो लो है वो है 640.25 रुपए, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 2 रुपए का। तो अब देख लेते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का रिटर्न बजट 2019 के बाद से। तो 5 जुलाई को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 818.60 रुपए, जो बढ़ के 17 सितंबर को हो गया है 943.05 रुपए, यानी कि 124.45 रुपए की बढ़त देखने को मिली हमें इसके स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 15.2% का।
लिस्ट के नंबर पांच पे आती है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, जो आती है सेक्टर एनबीएफसी में। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 8,581 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 628.80 रुपए, जो लो है वो है 242.05 रुपए, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए का। अब देख लेते हैं क्रेडिट एक्सेस का रिटर्न बजट 2019 से लेके अब तक। तो 5 जुलाई को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 515.85 रुपए, जो बढ़ के 17 सितंबर को हो गया 596.15 रुपए, यानी कि 80.30 रुपए की बढ़त देखने को मिली हमें इसके स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसका जो रिटर्न है वो है 15.57% का। इस लिस्ट के नंबर चार पे आती है बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो आती है सेक्टर पेंट्स में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 35,568 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 375 रुपए का, और जो लो है वो है 260 रुपए, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ 1 रुपए का। अब देख लेते हैं बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड का रिटर्न बजट 2019 के बाद से। तो 5 जुलाई को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 313.50 रुपए, जो बढ़ के 17 सितंबर को हो गया 365.05 रुपए, यानी कि 51.55 रुपए के एक सॉलिड बढ़त हमें देखने को मिल रही है बजट पेंट के स्टॉक में। और इसका जो रिटर्न है वो 16.44%। इस लिस्ट के नंबर तीन पे आती है जाइडस वेलनेस लिमिटेड, जो आती है सेक्टर एफएमसीजी में। ये मेनली हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 10,098 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 1860.20 रुपए, और जो लो है वो 1,085 रुपए, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए का। तो अब देख लेते हैं जाइडस वेलनेस का रिटर्न बजट 2019 के बाद से। तो 5 जुलाई को उसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 1353.85 रुपए, जो बढ़ के 17 सितंबर को हो गया 1530.90 रुपए, यानी कि 399.85 रुपए की एक बढ़त देखने को मिली हमें जाइडस वेलनेस के स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है लगभग 30% के आसपास का, 29.53%। इस लिस्ट के नंबर दो पे आती है एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो आती है सेक्टर म्यूचुअल फंड में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 56,486 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 2699 रुपए, और जो लो है वो है 1248.30 रुपए, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपए का। तो अब देख लेते हैं एचडीएफसी एएमसी का रिटर्न बजट 2019 के बाद से। तो 5 जुलाई को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 1974.15 रुपए, जो बढ़ के 17 सितंबर को हो गया 2573.55 रुपए, यानी कि 599.40 रुपए की एक सॉलिड बढ़त हमें देखने को मिली है इसके स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 30.36% का। लिस्ट के नंबर एक पे आती है सन फार्मास्यूटिकल्स एडवांस रिसर्च लिमिटेड, जो आती है सेक्टर आरएनडी में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है सिर्फ 4,366 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 407 रुपए, और जो लो है वो है 107 रुपए, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ 1 रुपए का। अब देख लेते हैं सन फार्मास्यूटिकल्स एडवांस रिसर्च लिमिटेड का रिटर्न बजट 2019 के बाद से। तो 5 जुलाई को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो तो 117.20 रुपए, जो बढ़ के 17 सितंबर को हो गया 160.75 रुपए, यानी कि 43.55 रुपए की एक सॉलिड बढ़त देखने को मिली इसके स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसका जो रिटर्न है वो है 37.16% का। थी मेरी टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट। मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या राय है इस लिस्ट के बारे में, कि आपको लगता है और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो इस लिस्ट में होने चाहिए थे, जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है बाजार की मंदी के दौरान। तो आपकी जो भी राय हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। पसंद है तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।